अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। कल हमने मेट से बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कपड़े वॉश करवाए थे, तो आज मैं बच्चों के सभी कपड़े प्रेस करने लगी हूँ और आपको दिखाऊंगी भी। जी, ये बच्चों के कपड़े हैं। इसमें इशाल फातिमा के, मोहम्मद के, मेहरमा के कपड़े हैं। लेकिन पहले मैं मोहम्मद हसनैन के कपड़े रेडी करूंगी और फिर इशाल फातिमा और महरमा के कपड़े रेडी करूंगी, क्योंकि बच्चियों के कपड़े प्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए उनके बाद में हूँ। जी, मोहम्मद हसनैन के ड्रेसेस रेडी हो गए हैं और मैंने इनको हैंग कर दिया है, और अब इसको मैं मोहम्मद हसनैन की वर्डरॉप में हैंग करने लगी हूँ। मुझे बताइएगा आपको इसके ड्रेसेस कैसे लगे। जी, ये इशाल फातिमा और महरमा के ड्रेसेस हैं, ये सभी मैंने खुद रेडी करवाए हैं। प्रिंटेड ड्रेसेस भी और जो बच्चियों के एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस हैं, इस पर मैंने एम्ब्रॉयड्री भी खुद करवाई है। बच्चियाँ इन ड्रेसेस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, बजाय इसके कि आप इनके रेडीमेड परचेज़ करें। रेडीमेड भी मैं इनके परचेज़ करती हूँ मिनी माइनर से, लेकिन घर के लिए, बच्चियों के आम रूटीन के लिए मैं इन्हें ये ड्रेसेस रेडी करवाती हूँ। मिनी माइनर से मैं ड्रेसेस परचेज़ करती हूँ किसी ख़ास मौके के लिए या कहीं जाने के लिए। आम घर के लिए यही ड्रेसेस होती। जी, तो कल मैंने आपको बताया था कि हमने कल बच्चों के कपड़े वॉश कराए थे, मोहम्मद हसनैन के, इशाल फातिमा के, महरमा के। काफ़ी ज़्यादा इनके कपड़े इकट्ठे हो गए थे, वो कल हमने मेट से वॉश कराए हैं। आज मैंने वो सभी कपड़े प्रेस किए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ढेर था कपड़ों का जो मैंने आज प्रेस किया था। ठीक है, इशाल, महरमा, मोहम्मद का, इनके मैंने कपड़े प्रेस करके इनकी वर्डरोब में हैंग कर दिए हैं। प्रॉपर तरीके से इनकी वर्डरोब को रेडी कर दिया है। बच्चों की वर्डरोब बिल्कुल खाली हो चुकी हुई थी। कुछ भी आज सुबह मुझे इनको पहनाने के लिए नहीं मिल रहा था कि मैं आज इनको सुबह कौन सी ड्रेस दे दूं। तो आज मैंने पूरा दिन लगा के यही काम किया है, जो मैंने बच्चों की वर्डरोब रेडी की है। दूसरा, कल फिर हमने साथ में बेडशीट्स और टॉवल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, वो भी हमने कल मेट से वॉश करवा के। तो अब मैं सभी बेडशीट्स को जो है वो उनकी कब्र तक पहुंचाने लगी हूँ। मैंने कहा इन सबको इनकी प्रॉपर जगह पे पहुंचा दूँ। कल बहुत से व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स किए थे कि आप हमें बच्चों का लंच बॉक्स, हमें टिफ़िन बताएं, जो आपके मतलब 3 बेबीज़ हैं, एक 3 ईयर की है, एक 1.5 साल की है और एक 5 ईयर का है। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि आप बच्चों की प्रॉपर डाइट प्लान बताएं हमें, हमें आप बताएं कि इनकी जो है वो आप लंच बॉक्स में क्या क्या इनको देती हैं। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मैंने उसमें बच्चों का लंच तकरीबन सारा तो नहीं बताया, 3 से 4 ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं, उनकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप लोग भी उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, वीडियो को देखिएगा, बताइएगा मुझे, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी, ये मेरे 2 पिलोज़ का मेरा सेपरेट सेट है, जो मैंने एक्स्ट्रा पिलो कवर लिए हुए हैं। ये मैं ज़रूर, जब भी मैं बेडशीट्स परचेज़ करती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा पिलो कवर ज़रूर परचेज़ करती हूँ। जी, ये मेरे बच्चों के पिलो कवर हैं, मैंने अपने बच्चों के पिलो कवर सेपरेट रेडी करवाए हुए हैं। ये मैं ऑर्डर पे रेडी करवाती हूँ, मैं बने बनाए कभी भी नहीं परचेज़ करती, स्पेशली बच्चों के मैंने कभी भी नहीं किए। बच्चों के मैं ऑर्डर पे रेडी करवाती हूँ, और बच्चों के मेरे बेड कवर भी मेरे बच्चों का सेपरेट है, वो भी मैं अपने बच्चों का ऑर्डर पे रेडी करवाती हूँ। मैंने कभी भी बच्चों का बेड कवर मतलब रेडीमेड मैंने परचेज़ नहीं किया, मैं खुद अपनी पसंद से रेडी करवाती हूँ। मैं अपना भी बेड कवर खुद ऑर्डर पे रेडी करवाती हूँ। मुझे जो मतलब रेडीमेड चीज़ होती है ना, मुझे वो पसंद नहीं आती है, तो मेरी नेचर है कि मैं कहती हूँ कि मेरी पसंद की चीज़ हो, इसीलिए मैं अपनी चीज़ जो है ना वो ऑर्डर पे रेडी करवाती हूँ। टॉवल्स भी कल हमने अपनी मेट से वॉश करवाए थे,
टॉवल्स भी रेडी हो चुके हैं यूज़ के लिए, इनको भी मैं अब इनकी कबर्ड में रखने लगी हूँ। मेरे तीनों बच्चों का सेपरेट टॉवल है, ये मेरा टॉवल है, ये मेरी महरमा का टॉवल है, ये मेरी फातिमा का टॉवल है, और ये मेरे बेटे मोहम्मद हसनैन का टॉवल है। तीनों बच्चों के टॉवल्स भी मेरे सेपरेट होते हैं। अभी से इनको आदत डाल दी हुई है, अभी से इनकी रूटीन बना दी है कि इन्होंने टॉवल जो है वो अपना सेपरेट सेपरेट यूज़ करना होता है जब भी ये फ्रेश होके बाहर आते हैं। आप सभी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बेडशीट्स की कलेक्शन कैसी लगी है, आपको पसंद आई है मेरी बेडशीट्स की कलेक्शन, हेलो मुझे कमेंट्स से ज़रूर प्रिया, कीजिएगा। मोहम्मद हसनैन को बहुत जल्दी है कि मामा जल्द से जल्द वीडियो बंद कर दे ताकि मामा इसकी पिटाई करे। नहीं, फाइट फाइट अभी इसने करनी अरे है, चपेट मारवाई, अभी एक दफ़ा पिटाई हो चुकी हुई है, ठीक है। अब दोबारा इसने अभी फाइट करनी है मेरे साथ, और फाइट करके इसने फिर वेट में है कि फिर से जो है ना ज़रा अबे अकेले अब हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं, हमें अल्लाह इजाज़त दें। हाफिज, और मेरी वीडियो को कमेंट लाइक शेयर करें। थैंक यू टाटा, गुड जी। बाय इंडिया। अच्छा जी, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी, मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चों का मैंने कंप्लीट डाइट प्लान, कंप्लीट डाइट चार्ट मैंने उसमें दिया है। मैंने लंच बॉक्स की रेसिपी, ब्रेकफास्ट की रेसिपी उसमें मेंशन की है, जो मेरे बच्चे मोस्टली खाते हैं मैंने वो ही चीज़ मेंशन की है। ऐसा नहीं किया कि मैंने मतलब के कहीं और से उठाया है सारी डिस्क्रिप्शन और वो उठा के आपके पास मेंशन कर दी है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को वॉच कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।